गांव शहर से बेहतर होते हैं। टाइम्स ऑफ तरुण से मैं शिवम और आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कि यहां पर क्या है क्या नहीं है और बताते हैं आपको। यहां से आती हवा और ये कुछ सामान यहां पर रखा हुआ है, यहां से आपको बाहर ले चलते हैं। ये लीजिए, हम खुली हवा में आ चुके हैं। यहां पर रखी हुई है हमारी टंकी और ये है हमारे आम के पेड़। ये शाम के टाइम जब यहाँ पर विश्राम करना हो, रात में एकदम बढ़िया हवा चलती है। ये काम, इसके पीछे दूसरा आम। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टंकी है जो कि एकदम फुल भरी नहाने के लिए। आज तो नहीं, आज हमारे स्नान हो चुके हैं तो फिर कभी इसमें नहाना होगा और उसके बाद यहाँ पर होगी पार्टी। एक ये आम के पेड़ बना रखे हैं हमने, दरअसल इन्हें बनाने में काफ़ी समय लगा है। और एक ये और एक वो दूर आप देख रहे हैं, और ये महुआ का पेड़, इससे बनती महुआ फ्रूटी। चूल्हा है यहाँ पर, बढ़िया लकड़ी की व्यवस्था है। और यहाँ पर सारे बर्तन अवेलेबल हैं बनाने के लिए। बैठने के लिए यहाँ पर चटाई है और ये कृषि संबंधित उपकरण यहाँ पर रखे हुए हैं काफी सारे। हाँ, बरसात के लिए छाता सब जरूरी है, साइकिल। जब छोटे थे तब इसे खूब चलाया करते थे, अब नहीं चलाते, अब समझ जा चुका है। आप देख रहे हैं ये घर किसी महल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर पेड़ हैं। एकदम मौसम जो है ठंडा है यहाँ पर अंदर, और शहर के जो घर होते हैं ना बड़े बड़े वो एकदम, हालांकि आप एसी और कूलर में बैठे जरूर होते हैं लेकिन आप खुद जानते हैं कि वो आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। फिर भी क्या करें, मजबूरी है, तो इसलिए गाँव बेहतर है, शहर से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इस स्थिति में जैसा कि अभी शहरों में हमें देखने को मिला, उस स्थिति के बाद तो गांव सबसे बेहतर है भाई, और गांव हमेशा से बेहतर रहे हैं। आपने उन्हें बेहतर नहीं समझा है और लोग गांव छोड़कर शहर चले गए, पता नहीं क्यों लेकिन चले गए। अब उनकी अपनी कुछ वजह रही होगी, लेकिन अब लोग गांव की ओर वापस पलायन कर रहे हैं। तो ठीक है, आओगे वहीं, मतलब वो एक कहावत है कि उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे, तो ऐसा कुछ होता रहता है, बहुत बढ़िया। फिलहाल में कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं और बताते हैं कि क्या है वो बचपन की यादें। आम देखने के बाद मुँह में पानी आ रहा है। पहले इन्हें धोकर चलते हैं अंदर, और इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ है, उसके साथ इसको लिया जाएगा। समय था जब हम छोटे थे, बचपन का समय था, तो उस टाइम की कुछ घटना याद आती है। हम जब छोटे थे कुछ 8-10 दोस्त थे, गांव में एक पेड़ था आम का, और एक नहीं मतलब बहुत पेड़ थे, पर वो एक विशेष पेड़ था। उसका कारण था कि वो बहुत बहुत मीठा आम था, और लोग कहते थे कि ये जो आम है
ये भुदिया आम। सुबह खाना आना खा के 10-11 बजे और हम सब निकल जाते थे। दोपहर हमारी वहीं कटती थी। और जैसे कि गांव में जो ग्रुप होते हैं ना, हाँ दोस्तों के, उसमें 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, और ये ढेर सारे आम इकट्ठे करते थे, फिर एक साथ बैठते थे और नमक मसाला, जलजीरा, गरम मसाला। तो हम बात कर रहे थे अपने बचपन की कुछ यादों की। शाम को क्रिकेट खेलते थे हम लोग सभी लोग, तो उस समय की जो लाइफ थी ना वो काफ़ी बढ़िया थी, जब ये मोबाइल का कोई झंझट नहीं हुआ करता था। मतलब थे लेकिन कीपैड मोबाइल थे तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, और ये तो अभी अभी ट्रेंडिंग में आए हैं। पेड़ पर चढ़ना और पेड़ से गिरना, ये आम बात थी, मतलब आम की बात थी और आम बात, दोनों एक ही है। पर जब से मोबाइल आए हैं ना तब से काफ़ी कुछ छिन चुका है। एक बढ़िया बचपन जो हमने जिया बहुत बढ़िया था। उस टाइम हम इस मोबाइल के झंझट से काफ़ी दूर रहा करते थे, जैसे हमने पढ़ाई की, किस तरीके से मार खाई। तो एक पूरी सीरीज हम लेकर आएंगे बचपन की यादें करके, तो उसमें बताएंगे। और यदि आपका बचपन कैसा गुजरा है आप हमें बताना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करते रहें, आपके कमेंट, आपके सुझाव हमें मिलते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, और बढ़िया करेंगे हम, बेहतर से भी बेहतर। खैर चलते हैं, तो जब तक आप इंतज़ार करिए नए ब्लॉग का, बहुत जल्द आएगा। अभी तो नहीं आएगा लेकिन थोड़े समय बाद आएगा, 2-3-4 दिन बाद आएगा। थोड़ा सा काम है उसको कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्लॉग और बनाते हैं नया, तो 4-5 दिन रुक जाइए। तो तब तक के लिए इसे शेयर करते रहिए। गाँव के घर किसी महल से कम नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। पेड़ की छाँव में इस भीषण गर्मी में आप एक यहाँ पर पूरी दोपहर विश्राम कर सकते हैं, एक बढ़िया नींद के साथ, और जो कि शुद्ध हवा है एकदम। मूंग में पानी चल रहा हो तो उस समय यहाँ पर जो ठंडक होती है वो गजब की होती है। तो आपसे मिलते हैं पनाह दोबारा, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जो करना है करें, बस इंस्टा पर जहाँ करें, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह करके रख लीजिए, सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। बाय बाय।